हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल चंपाज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ हम सबकी और ख़ास तौर पर बच्चों की फेवरेट देसी चाइनीज़ रेसिपी चाउमीन, वो भी बिल्कुल बाजार जैसी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई या किसी भी बर्तन में पानी डालेंगे, लगभग 1 से 1.5 लीटर। उबलते हुए पानी में मैं डाल रही हूँ 1 पैकेट हक्का नूडल्स, ये वजन में करीब 200 ग्राम है। अच्छे से पका लेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से पक गई है। अब हम इसको छान लेंगे। ठंडा पानी डालकर एक बार और छान लेंगे। इस तरीके से ये चिपकेगी नहीं। 1 टेबल स्पून मिलाएंगे इसमें ऑयल। ऑयल आप कोई भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज किया है। मिला लेंगे अच्छे से। चलिए अब हम कुछ सब्जियाँ ले लेते हैं। ये 1 बड़ा प्याज जो कि मैंने लंबे आकार में काट कर लिया है। ये 1 गाजर है जिसको मैंने कद्दूकस किया है। 2 हरी मिर्च मैंने बारीक काट कर ली हैं। ये 1 शिमला मिर्च भी मैंने थोड़े लंबे आकार में काट कर ली है। पत्ता गोभी को भी मैंने पतले और लंबे आकार में काट कर लिया है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं। ये मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। बाजार जैसे टेस्ट के लिए आप लोहे की कढ़ाई का ही यूज करें। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद सबसे पहले ना हम इसमें प्याज डालेंगे। अब यहाँ पर एक ख़ास टिप है, वो ये है कि गैस की फ्लेम को हमने फुल रखना है, क्योंकि हमने सब्जियों को गलाना नहीं है, बस फुल आँच में सौटे करना है। चलिए पत्ता गोभी मिला लेंगे और चलाते रहेंगे। गाजर और शिमला मिर्च भी मिला लेते हैं। चलाते रहेंगे अच्छे से। हरी मिर्च भी डाल देते हैं। तो अब हम मिला लेते हैं नूडल्स। ये देखिए कितने अच्छे से पकी है और चिपक भी नहीं रही है। यहाँ पर ध्यान रखें, गैस की फ्लेम लो रखनी है। देखिए इसमें अब हम मिलाएंगे सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस। इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। इन सब की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब ना लास्ट में हम इसमें स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इन सबको भी अच्छे से मिला लेंगे। लास्ट में हम टोमेटो सॉस मिला लेते हैं आपकी इच्छा अनुसार। तो ये लीजिए, चाउमीन हमारी तैयार है। यकीन मानिए, मार्केट से भी अच्छा टेस्ट मिलेगा, वो भी घर पर। तो देर किस बात की, आज ही बनाइए और सबको खिलाइए। थैंक यू।